हेलो, आज हमें ट्रेड फंडर पोजिशनल में 10 दिन का डेटा कैसे लेना है इसका अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, तो ट्रेड फंडर पोजिशनल आगे जब हम काम करते हैं तो उस पर 10 दिन का डेटा कौन से लेना है, कब लेना है, क्या लेना है, किस हिसाब से लेना है, कौन से दिन से लेना है। इसमें जो पब्लिक को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत लोगों की कन्फ्यूज कर रहा है कि सर ये ले कि वो ले, तो उसके लिए मैं ये वीडियो अभी बनाना मेरा एम है। तो देखते हैं, पहले उससे पहले हम क्या करते हैं कि पहले नॉर्मली जैसे आपने ट्रेनिंग में सीखा होगा कि पहले अपनी वेबसाइट पे आना है ctacademy.co.in। उसके बाद आपको ये लॉगिन बटन दिखेगा, जैसे ही लॉगिन बटन दिखेगा तो ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिला होगा, जो मेरे पास अभी है मेरा, मैं उस पर लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, और ये मैंने जैसे लॉगिन किया, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, ऐसे ही आपको भी आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड मिला होगा उससे लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये टूल दिखना स्टार्ट होगा। तो ये पोजिशनल आज हमारा काम, इसलिए ट्रेड फाइंडर और बीएफ पोजिशनल ये दोनों टूल हमें यूज़ करने रहेंगे आज। ठीक है, पहला ट्रेड फाइंडर पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डेटा, ये इस हिसाब से ये ट्रेड फाइंडर दिखने लग जाएगा। यहाँ पे हमें इनपुट देना है, 1 to 10 इनपुट देंगे, ये बफरिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ये आउटपुट बाय सेल सब पॉइंट मिलने वाले हैं। तो अभी सवाल है कि पोजिशनल के लिए ये 10 दिन का डेटा हम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन से स्क्रिप्ट में करना है, क्या करना है, ये सब पॉइंट कवर करना है। और ये 10 दिन का डेटा हमें लेना कैसे, जैसे आप पोजिशनल के सिस्टम जो आपको PDF भी मिला होगा उसमें मैंने रूल बता रहे, रूल ऑफ पोजिशनल सिस्टम में सबसे पहला स्टेप क्या है कि टेक 10 वर्किंग डेज डेटा। अभी सवाल ये आता है कि कौन से 10 दिन का डेटा लेना है, सही है ना। ये 10 दिन का डेटा कौन से लेना है ये मुझे अभी आपको बताना है। इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ करनी है, बहुत सिंपल सी चीज़, कि जो भी चार्ट आप देख रहे हो जिसमें भी आपको काम करना है, से एग्जांपल आपको लगता है कि आपको निफ्टी में करना है तो निफ्टी का ओपन कर दो, कोई बोलता है HDFC बैंक करना है HDFC बैंक का चार्ट ओपन कर देंगे, कोई बोलता है TCS करना है तो TCS का चार्ट ओपन करोगे, हिंद पेंट्रो में कोई किसी को काम करना है तो उसमें कर सकते हो, कोई बोलेगा सर फ्यूचर में काम करना है TCS के तो TCS के फ्यूचर में काम करेंगे, बैंक निफ्टी में काम करना बैंक निफ्टी के में करेंगे, रिलायंस में कर रिलायंस में है तो ICICI बैंक, जिसमें भी हमें काम करना है आप कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिंपल सी बात क्या है कि 10 दिन का डेटा मैंने कौन सा लेना है। अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि निफ्टी का एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे पूरा प्रैक्टिस करेंगे और बाद में फिर कोई स्टॉक में करना है या तो कम्युनिटी में करना है या तो करेंसी में करना है, तो 10 दिन का डेटा कैसे डिसाइड करना है वो पहले हम डिसाइड करें। ठीक है, सबसे पहला उसके लिए क्या करना, जो भी कंपनी जिसमें भी हमें काम करना है उसका चार्ट ओपन कर दो। जैसे चार्ट ओपन करोगे, जिसमें डबल क्लिक किया है यहाँ पे, डबल क्लिक में किया, ये चार्ट ओपन होगा यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, ये आ गया। अभी ये इंट्राडे चार्ट ओपन हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को, ये इंट्राडे चार्ट ओपन हुआ। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि जब मैं एक एक कैंडल पे ऐसे मेरा कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे राइट साइड में ये देखो ओपन हाई लोअर क्लोज लिख के आ रहा है। ओपन मतलब कहाँ पे ओपन हुआ, एच मतलब का कितना हाई बनाया वो कैंडल ने, कितना लो बनाया और कितना कहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, और ऊपर इस हिसाब से अभी ये डेली का है, मतलब एक दिन का, यहाँ से दिन स्टार्ट हो रहा है। हमें क्या करना है, पोजिशनल काम करना है तो हमें पैटर्न चेंज करना है, और हमें पूरा जो बात है कि पोजिशनल के लिए हमें क्या चाहिए कि डेली चार्ट लगाना है, तो मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ। डेली चार्ट कैसे लगाना है इसके लिए भी आपको मैं बता दूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब ये डेली बटन करके आएगा उस पर डेली पे क्लिक करो, या तो ये डिपेंड करेगा, चेंज करेगा हर आप कौन सा चार्ट यूज़ करें उसमें ये पैटर्न चेंज करने वाला है, तो थोड़ा सा वो देख लेना है। ठीक है, सब लोगों को हमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं निकाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी समझना, अभी हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि सपोज अगर ये जो मार्केट ऊपर नहीं जाए, ये बहुत केओस दिखता है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैंने ओपन किया ये धीरे के लिए, तो हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, चार्ट टाइप में जाएंगे। जब चार्ट टाइप में जाओगे तो आपको जैसे लाइन चार्ट दिखता है, बार चार्ट दिखता है, कैंडलस्टिक का एक चार्ट दिखता है, वैसे ही सेम एक हिकानिशी करके एक चार्ट दिख रहा है, कौन सा, हिकानिशी। ठीक है, तो इस पर हमें क्लिक करना है और हमें ये चार्ट यूज़ करना है कोई भी। हाँ, आपको जिसमें सपोज अगर आपको लगता है कि सर निफ्टी के लिए ऐसा करना है क्या, नहीं, कोई स्टॉक में करेंगे तो भी यही पैटर्न यूज़ करेंगे हिकानिशी का, कोई कमोडिटी में करना चाहता है तो भी यही करेंगे, करेंसी में करना चाहता है तो भी यही करना है। ठीक है, क्लियर। डेली चार्ट ओपन करेंगे और कम हमें इकानशी चार्ट लगाना है। पहला 10 दिन का डेटा कौन सा लेना है, फर्स्ट स्टेप अपना है पोजिशनल का, ये डिसाइड करने के लिए।
कैसे करेंगे? सपोज दैट से एग्जांपल, हमें पता नहीं हम कब है, कब मार्केट में आ रहे हैं। अज्यूम करते कि आप 21 मई को मार्केट में आ गए, दिख रहे हैं आपको? ये देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करवा के दिखा दूँ। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे डेट दिखता है, ये देखो ये मेरा माउस देखना है 27 को है 20, सब से डेट चेंज होता है, जहाँ पे ये बॉल चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो डेट चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सपोज यार कोई बोलता है कि सर मैं 23 मई को आया और एनालिसिस करना चाहता हूँ कि इसके बाद इसमें क्या होगा, निफ्टी में क्या होगा, तो मुझे क्या चाहिए कि मार्केट ने ट्रेंड कब चेंज किया, उस दिन से 10 दिन हमें 10 डेटा लेना है। अभी 23 तारीख को मार्केट ने क्या क्या होगा, यहाँ से ये ऊपर आया, दिख रहा है ये ऊपर आया हुआ मार्केट, जैसे ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर आया, फिर ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ये ऊपर आना स्टार्ट हुआ, तो 23 तारीख को हमें पता है कि मार्केट कहीं से तो भी ऊपर आना स्टार्ट हुआ है, तो कौन से दिन से ऊपर आना स्टार्ट हुआ वो दिन हमें पकड़ना है पहले। जैसे ये ऊपर है, ये ऊपर है, ऊपर है, सपोज है, ठीक है, हम बात करेंगे कि पहले नीचे कब आया। ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, इसका क्लोजिंग देखना है 11,208.17 दिख रहा है, दिख रहा है सब लोगों को, क्लोजिंग सी देखना है, ठीक है। बाद में इसके बाजू का क्लोजिंग देख लो 11,194 point something, ये वो भी पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे है, तो नीचे नीचे जा रहा है मार्केट। लेकिन अगले दिन देखो क्या हुआ, ये 15 मई को क्या हुआ, क्या हुआ कि जो पिछले दिन का क्लोजिंग था वो 194.19 मतलब 11,194.19 था, और अभी का क्लोजिंग कितना आ गया 11,213.11, मतलब कुछ ना कुछ ऊपर आया, जो ट्रेंड रिवर्सल करने का साइन दिखा रहा है। मतलब मेरा आंसर क्या है, अभी अगर आप 21 तारीख को भी आएंगे तो 15 तारीख से पीछे 10 दिन का डेटा लेना है। क्लियर अंडरस्टैंड हुआ सब लोगों को? इतना क्लियर है। सपोज अगर कोई बोलता सर मैं 21 को नहीं आया, मैं 23 तारीख को आया, तो भी आप 15 तारीख से ही लेंगे। कोई बोलता है कि सपोज मैं 17 मई को ही आ गया था एनालिसिस करने के लिए, तो भी उनके लिए डेटा कब का ऊपर आया हुआ, तो सेम डे 15 तारीख से ही लेंगे। सपोज कोई आता है और बोलता 28 मई को मैं मार्केट में आया, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, 15 तारीख से ही पीछे 10 दिन का डेटा लेना है और फिर आगे का एनालिसिस करना है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि 10 दिन का डेटा कौन सा लेना है तो ये देखना है। तो मन मारा सब लोगों को, ठीक है, इसके आगे और जाना है। सपोज दैट अज्यूम करो कि कोई 9 मई को आ गया, सपोज 9 मई को मार्केट में आया और वो चाहता है कि सर इसके बाद मार्केट में क्या होगा, सपोज ये हमें अंडरस्टैंड करना है। सपोज ये बोलता है कि सर ये मैं आ गया यहाँ पे, चलो ठीक है, तो ये अज्यूम करो आगे का हमें कुछ पता नहीं है, आप आ गए 9 तारीख को और आप बोल रहे हो कि सर 9 तारीख को अगर मैं शाम को बैठा हूँ और 10 के बाद मुझे आगे मार्केट में अगर काम करना है तो 10 दिन का डेटा कौन सा लेना है एनालिसिस करने के लिए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट। अभी आपको बताना है कौन सा लेना है, सिंपल सी बात है, जब मैं 9 को बैठा हूँ तो मार्केट कहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ वो देखना स्टार्ट करो। ये कंटिन्यूसली नीचे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर जा रहा था, ओके, ये ऊपर ऊपर और ये भी ऊपर नीचे आया और यहाँ पे वापस नीचे आ गया। ये देखो इसका क्लोजिंग कंपैरिजन कर लेंगे 11,734.79 और इसका कितना है 34 के जगह पे 26 आ गया, मतलब 11,726.28। मतलब आपको क्या करना है कि 3 मई से पीछे 10 दिन का डेटा लेना। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे 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 है, रोज रोज नीचे, जिस दिन मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया वहाँ से पीछे 10 दिन का डेटा लेना है। फिर आप 6 तारीख के लिए आओगे तो भी आप 3 तारीख से ही पीछे 10 दिन का डेटा लोगे, अगर आप 8 मई को आओगे तो भी 3 तारीख से ही पीछे 10 दिन का डेटा लोगे, अगर आप 9 मई को आओगे तो भी 3 तारीख से ही पीछे 10 दिन का डेटा लेना है। अंडरस्टैंड? सपोज कोई बोलेगा सर नहीं मैं सपोज दैट यहाँ पे आ गया कितने को 26 अप्रैल को, तो को क्या करूँगा, मार्केट कहाँ पे जा रहा है आपके लिए, फिर 26 अप्रैल को मार्केट कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की नीचे, अभी आपको लग रहा है थोड़े दिन के लिए कि ऊपर जा रहा है, तो कहाँ से लेंगे, जहाँ से ऊपर आना स्टार्ट हुआ, ये देखो 24 अप्रैल ये नीचे आ रहा था 2 दिन, अभी 24 को क्या हुआ ऊपर आना स्टार्ट हुआ, 24 तारीख से पीछे 10 दिन का डेटा ले लेना है यहाँ पे, ओके, ये काम करके कर सकते हैं इतना। चलो और थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, अज्यूम करो सपोज दैट कि आप यहाँ पे आ गए 6 मार्च को, अभी आपको बताना है कि कौन से 10 दिन का डेटा लेना है, तो क्या देखना है, सिंपल सी बात की ये अभी मार्केट 6 तारीख को जब आया होगा हमें पता नहीं आगेगा क्या है, लेकिन हमें 6 तारीख का पता रहेगा, ये 6 तारीख तक की मार्केट का मार्केट ऊपर जा रहा है,
तो कहाँ से ऊपर आई है, देखो ये, देखो ये जब हम देखेंगे तो ये मार्केट ने यहाँ से ये नीचे नीचे आ रहा था और अभी यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट किया। तो ये जो दिन है 20 फरवरी, तो 20 तारीख को इंक्लूड करना है, 20 तारीख से पीछे 10 दिन का डाटा लेना है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? और एक दिमाग में रखना है, ये कभी भूलना नहीं क्या, ये सब कुछ हम हिकानिशी पैटर्न में देख रहे हैं, ये कैंडल स्टिक के लिए यूज़ करना नहीं है, ये हमें ये जो हिकानिशी यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें काम करना है। हिकानिशी जो पैटर्न है इसी में ये सब कुछ हमें करना है। सिंपल सी बात है कि आप 21 को आएंगे, 22 को आएंगे, 25 को आएंगे, कभी भी आ जाओ, आपका 10 दिन का डेटा 20 फरवरी से पीछे ही रहना चाहिए। और थोड़ा प्रैक्टिस कर दे, से एग्जांपल आप आ गए मार्केट में, हम बात करते हैं 12 तारीख को सुबह, कितने को, 12 तारीख। अभी आपको बताना है कि मार्केट में मुझे जो एनालिसिस करना है उसके लिए 10 दिन का डेटा कौन सा लेना है, क्या लेना है? सिंपल सी बात कि मार्केट नीचे आ रहा है तो सबसे पहले नीचे आना कब स्टार्ट हुआ, ये देखो ये ऊपर ऊपर जा रहा था और ये पहला दिन है जो मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया 8 फरवरी को, तो 8 तारीख से पीछे 10 दिन का डेटा लेना है। ले लेंगे, इतना कर सकते हो आराम से, प्रैक्टिकली पॉसिबल है सब लोगों को, 8 से पीछे लेंगे, बाकी का चीज़ हम और देखेंगे। आज का ये जो ई वीडियो इसमें क्लियर करना है कि 10 दिन का डेटा कौन सा लेना है। प्रैक्टिस करो थोड़ा, सपोज दैट एज्यूम करो कि आप यहाँ पे आए हो 1 फेब को, क्या करोगे, 10 दिन का डेटा कौन सा लेंगे? सिंपल सी बात है कि ये ऊपर आ रहा है, मतलब नीचे से, नीचे जब जा रहा था तो नीचे जाने का बंद करके अभी ऊपर आना कब स्टार्ट करा, वो पॉइंट होना चाहिए। ये देखो ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था और यहाँ पे ऊपर आ गया, मतलब 30 जनवरी से पीछे 10 दिन का डेटा लेना है, मार्केट ऊपर आ गया। समझ में आ रहा है सबको, ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये देखो ये ऊपर इस हिसाब से जा रहा है, क्लियर सबको? सपोज आप फरवरी आएंगे तो भी, अगर आप 1 तारीख को आओगे तो भी आपको 30 जनवरी से ही पीछे 10 दिन का डेटा लेना है। आप 4 तारीख के लिए आएंगे तो भी यही होगा, आप अगर 6 फरवरी को आओगे तो भी यही से डेटा लेना स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंड, सब लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी, अज्यूम करो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते से एग्जाम्पल, यहाँ पे थोड़ा सा केओस दिख रहा है ना, इसमें देखते हैं कि सपोज दैट आप आ गए यहाँ पे, बताओ 24 जनवरी को, तो 10 दिन का डेटा कौन सा लोगे? अभी 24 जनवरी को 2 दिन से मार्केट नीचे आना दिख रहा है हमें, हमें इतना पता है कि मैं जब फर्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगा तो ये मार्केट जो ऊपर जा रहा था ये बंद करके नीचे आना स्टार्ट हुआ 22 तारीख को, ये क्लोजिंग देखना है, ये कंपैरिजन सिर्फ क्लोजिंग से करना है। देखो क्लोजिंग, कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर से नहीं देखना है, सिर्फ क्लोजिंग से देखना है। क्लोजिंग देखो 10,938.60 और अभी का क्लोजिंग कितना आया 10,921.63, मतलब क्लोजिंग नीचे आया तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। तो यहाँ से 22 जनवरी से पीछे 10 दिन का डेटा लेना है आगे का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। अंडरस्टैंड सब लोगों को, इतना क्लियर है? चलो ठीक है, और थोड़ा आगे जाते हैं। सपोज आप यहाँ पे आ गए ये बीच में 9 जनवरी को, क्या करोगे, मार्केट ऊपर के नीचे, तो अभी के लिए तो ऊपर है तो ये नीचे जा रहा था तो सीधा ये 7 तारीख से पीछे 10 दिन का डेटा लेना, और कुछ नहीं करना। सपोज आप आ गए हो 3 तारीख को, डेटा कब से लोगे, ये ऊपर गया था, ये ऊपर था यहाँ पे, 1 तारीख से पीछे 10 दिन का डेटा ले लेना, आगे का आपका एनालिसिस समझ में आ जाएगा अपने आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। इस सबसे ये पूरा कभी भी ये रैली पूरा हमें देखो अपना एम क्या है बताएं कि अगर मैंने यहाँ पे कहीं तो भी शॉर्ट सेल करना स्टार्ट किया तो जितना भी मार्केट ये नीचे आने वाला है ये पूरा हमें प्रॉफिट लेना है, आएगा 100% आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर आओगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब मैं यहाँ पे आया हूँ सपोज 15 तारीख को, तो मेरा एम क्या है कि मैं यहाँ से मतलब 12 तारीख से पीछे 10 दिन का डेटा लूँगा और आगे एनालिसिस करना स्टार्ट करूँगा। सबको क्लियर किया, कोई कन्फ्यूजन है? और सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं, सपोज मैं आ गया यहाँ पे 11 तारीख को, तो 10 दिन का डेटा कौन सा लूँगा मैं, तो यहाँ पे पहली बार जो मार्केट ने रिवर्स किया 29 को, हाँ फर्स्ट ये बनने के बाद ये जो रेड कैंडल है ये वाला 29 जून को, वहाँ से पीछे 10 दिन का डेटा लेना है। फिर आगे का ट्रेंड बाद में देखेंगे कैसे करना, अभी के लिए 10 दिन का डेटा कौन सा लेना उस पर फोकस करो, क्लियर है? होप सब लोगों को समझ में आ रहा है ये अंडरस्टैंडिंग। अभी हम और थोड़े से एग्जांपल लेंगे, अज्यूम करो आपके लिए मैं बताता हूँ, सपोज ये देखो क्या करना है मोस्टली कि मार्केट का ट्रेंड पकड़ना है, ये बीच बीच में ये मार्केट ऊपर नीचे दिखेगा इसको थोड़ा अवॉइड करो। सिंपल सी बात है, सपोज मैं अगर यहाँ पे आ गया 5 सितंबर को, तो मार्केट कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है,
वहाँ से पीछे देने लेना ले लो, सही है। तो फिर आप यहाँ पे आएंगे बीच में कहीं पे भी आओगे तो भी यही से 10 दिन का डेटा लेना, ये अलवेज आपके लिए ज़्यादा करेक्ट आंसर मिलने वाला है आपको इसमें, ठीक है। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे आएंगे सुबह, आपको नहीं पता कि आप 1 तारीख को बैठे हो और 2 तारीख को क्या काम करना है, 2 नवंबर को ये डिसाइड कर रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मार्केट ने यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट किया, यहाँ से 29 अक्टूबर से पीछे 10 दिन का डेटा लेना है, आगे का काम आपको मिल जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, क्लियर सब लोगों को? चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि और कोई दूसरा स्क्रिप्ट लेके देखते हैं, और ईजी हो जाएगा। सपोज यही चीज़ अगर मुझे TCS में करके देखना है, सपोज दैट जैसे हमने निफ्टी में किया, तो TCS में कोई स्टॉक में करके देखना है 10 दिन का डेटा, कब कैसे लेना है, वो अगर अंडरस्टैंडिंग करना है तो कैसे करेंगे। जैसे अभी ये शुरू से हम स्टार्ट करते हैं सपोज, ठीक है, ये जब मार्केट का ये भी ये नीचे गिर के ऊपर जा रहा था, अज्यूम करो कि मैं यहाँ पे कोई तो भी 23 मई को शाम को 6 बजे बैठा हूँ, और मैं सॉरी 31 मई को मैं शाम को 6 बजे बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि आगे मार्केट TCS ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो वो अगर एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 10 दिन का डेटा लेना है, कौन सा लेना वो इम्पोर्टेंट है, और वही हमें देखना है कि जहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया होगा। अभी ये ऊपर आया ना, तो कहाँ से ऊपर आया ये खुद को पूछो, कहाँ से ऊपर आया, ये देखो ये नीचे नीचे आ रहा था, ये बीच में वो पूरा कंसोलिडेशन दिख रहा है हमें, लेकिन सबसे पहले मैं जिस दिन बैठा हूँ वहाँ से सबसे पहला रिवर्सल हमें चाहिए जो हमें यहाँ पे मिलेगा। देखो ये देखो क्लोजिंग कंपैरिजन करना, इसके लिए 205.60 है, ये 02 थोड़ा नीचे ही है, और यहाँ पे ये पहला ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, यहाँ पे हमें समझ में आया कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना स्टार्ट किया है। हम क्या करेंगे, 28 मई से पीछे 10 दिन का डाटा लेंगे, बस इतना है। पहले 10 डेज का इनपुट जो हमें देना है वो कौन सा देना वो पहले समझ लो, आप एक बार इतना समझ लेंगे, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। समझ में आया यहाँ पे सबको? फिर अभी देखो आप 28 तारीख को शाम को बैठेंगे तो भी 28 से ही पीछे लेना है, आप अगर सपोज 29 को शाम को बैठेंगे तो भी 28 से ही पीछे 10 दिन का डेटा लेना है, और आप अगर 30 मई को भी आते हैं और फिर बोलते कि ये आगे ऊपर जाते दिख रहा है, इसमें अगर आपको ट्रेड वापस लेना है तो 10 दिन का डेटा 28 मई से ही पीछे लेना है। इतना क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, सेम वापिस सब यहाँ पे कहीं पे भी आ जाओ, हाँ चलो ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएंगे सपोज कि 4 तारीख को आ गए, अभी आपको दिखेगा कि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग किया हुआ है कंपेयर टू पिछले दिन। तो अगर आप 4 तारीख को शाम को 6 बजे आए तो आपको क्या करना है, 4 तारीख से पीछे 10 दिन का डाटा लेना है और देख लेना है इस हिसाब से काम करना, ठीक है। वापिस फिर मार्केट 2 दिन नीचे गया, ओके। आप सपोज 7 तारीख को भी आते हो शाम को, तो आपको क्या करना है कि 4 तारीख से पीछे 10 दिन का डेटा लेना है, ट्रेड अपने आप यहाँ पे जब आपको लग रहा है कि वो मार्केट ऊपर गया, सही, तो अपने आप बाय ट्रेड मिलेगा आपको, उसका आपको टेंशन लेना नहीं, सिर्फ 10 दिन का डेटा कौन सा लेना है ये करेक्ट करना है बस, सही है। ये डिसीजन ले पाएंगे सब लोग? ठीक है, सपोज दैट आप यहाँ पे आ गए, अभी अब आपको अभी आंसर करना है कि सपोज 11 तारीख को आप आए हो तो 10 दिन का डेटा कौन सा लेंगे, सही है। ठीक है, क्या करना है कि ये देखो मार्केट ये नीचे आया था 3 दिन और अभी आज ऊपर आया, तो जिस दिन पहली बार ऊपर आया वहाँ से पीछे 10 दिन का डेटा लेना, मतलब 10 तारीख से पीछे 10 दिन का डेटा ले लो, उस सब से हम आगे काम करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? सपोज ये नीचे जब मार्केट जा रहा था, आप यहाँ पे कहीं आ गए थे मार्केट में 6 मई को सपोज, और आपको वो लगता है कि 6 मई के बाद अभी मार्केट में क्या होगा, अगर ये आपको निकालना है और उसमें अगर एनालिसिस करके ट्रेड करना है तो 10 दिन का डेटा कौन सा लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, इसके लिए देखना है कि मार्केट ने पहले दिन कहाँ से गिरना स्टार्ट किया, सही है। बहुत इजी रहेगा, कितना, क्योंकि ये ऊपर ऊपर जा रहा था और यहाँ पे ये पहला ग्रीन कैंडल जो है ना, ये रेड के पहले का लास्ट कैंडल जो रहेगा जो पिछले कैंडल की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग है, तो वहाँ से मतलब 2 मई से पीछे हमें 10 दिन का डेटा लेना है, मतलब ये पूरे ट्रेंड में आपको एक ही बार ये 2 तारीख से पीछे 10 दिन का, मतलब जहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है ना, बस वही पॉइंट आपको एनालिसिस करने के लिए लेना है, वहाँ से 10 दिन का डाटा एज ए इनपुट लेना है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ डाउट आएगा कुछ समझ में अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में डालो, मतलब मैं उसको आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, और कुछ सजेशन होगा तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।